रत्नाकर शेट्टी ने उठाए सत्य साई पर सवाल। पुट्टपर्थी में सत्य साई की संपत्ति को लेकर उठा विवाद सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। शनिवार को सत्य साई के भतीजे रत्नाकर शेट्टी ने पुलिस पूछताछ के दौरान सत्य साई पर ही कई सवाल खड़े कर दिए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रत्नाकर शेट्टी ने पुलिस को बताया कि लगता है बाबा को किसी पर भरोसा नहीं था। शेट्टी ने कहा कि सत्य साई ने इतनी बड़ी संपत्ति अपने निजी चैम्बर में छिपा कर क्यों रखी। पूछताछ के दौरान रत्नाकर शेट्टी ने यह भी बताया कि ड्राइवर से बरामद हुए 35 लाख रुपए का ट्रस्ट से कोई संबंध नहीं है। शेट्टी से 5 घंटे हुई पूछताछ। आंध्र पुलिस ने पूछे 80 सवाल। शनिवार को सत्य साई के भतीजे रत्नाकर शेट्टी से पुलिस ने लंबी पूछताछ की। अनंतपुर के डीएसपी की अगुवाई में रत्नाकर शेट्टी से कुल 5 घंटे तक पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश पुलिस ने रत्नाकर से 80 सवाल पूछे, जिसमें कार में मिले 35 लाख रुपयों की बरामदगी से जुड़ा सवाल भी था। इसके अलावा ट्रस्ट में पैसों के लेन देन, ट्रस्ट के कामकाज, पैसों के लेन देन में रत्नाकर की भूमिका और दूसरे ट्रस्टी बी श्रीनिवासन के बारे में भी पूछताछ की गई। आपको बता दें कि श्रीनिवासन के ड्राइवर ने रत्नाकर और श्रीनिवासन का नाम लिया था, जिसके बाद पुलिस ने रत्नाकर से पूछताछ की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।